अगर ये बंदा ऐसा कूदे तो 500 रुपए। तो हेलो वेलकम गाइस, हम आ चुके हैं नए ब्लॉग में हमारे। मुझे पिछला ब्लॉग में बहुत ज़्यादा प्यार मिला आप सभी से, और इसी तरह से आप मुझे प्यार देते रहिए हमेशा। तो आज हम सोच रहे हैं कि आज हम जाएंगे गोलकुंडा फोर्ट। तो टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, तो अब हम निकलने वाले हैं गोलकुंडा फोर्ट की तरफ में। अब मैं आपको पूरा गोलकुंडा घुमाऊंगा वहाँ पे, जो एक बहुत ही बढ़िया जगह है। मैं वहाँ पे ये दूसरी बार जा रहा हूँ, एक बार मैं अपने कलीग के साथ गया था तो, और अब मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने रूममेट्स के साथ में जा रहा हूँ। चलो हम मिलते हैं आपको गोलकुंडा फोर्ट में। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है गोलकुंडा फोर्ट की। गोलकुंडा फोर्ट वैसे तो फेमस है कोहिनूर और यहाँ के साउंड अलार्म सिस्टम की वजह से। यहाँ पे सुबह 8 बजे से शाम के 5:30 तक ये खुला रहता है। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप ज़रूर कैश ज़रूर कैरी करके आइएगा। अब यहाँ पे 2 लाइन लगती है टिकट्स की, एक रहती है ऑनलाइन और एक रहती है कैश के लिए। ऑनलाइन टिकट 20 रुपीज़ की रहती है और फॉरेनर्स के लिए 200 की रहती है। तो हमने टिकट्स ले चुकी है, अब हमको यहाँ पे वेरीफाई करानी पड़ेगी अपने टिकट्स, तभी हमको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। तो चलिए हम यहाँ पे अपना वेरीफाई कराते हैं अपने टिकट्स को। तो हमको यहाँ टिकट वेरीफाई करनी। हम आ चुके हैं गोलकुंडा फोर्ट पे, हमारे साथ यूसुफ है, सुमित भाई हैं, और ये पीछे मोनू खड़ा हुआ है। तो हम चाह रहे हैं गोलकुंडा फोर्ट पे, चलिए चलते हैं अंदर पे। तो चलिए हम आपको यहाँ पे साउंड अलार्म सिस्टम दिखाते हैं। यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से आवाज़ यहाँ गूंजती है। जैसे कि यहाँ कोई भी ताली बजाएगा तो वो ताली सीधे हमारे उस महल के तक आवाज़ चली जाएगी, इस महल तक उसकी आवाज़ पूरी वहाँ तक हमको सुनाई देगी। तो ये एक अलार्म सिस्टम है। तो देखिए हमारे दोस्त क्या करते हैं सब चीज़ों में। हम आ चुके हैं गोलकुंडा फोर्ट। अब यहाँ इतनी तेज़ गर्मी लग रही है कि हम क्या ही बताएं। हम नहीं, लेकिन तो आपने एक अलार्म सिस्टम देख लिया, अब आप दूसरा भी देख लीजिए। जैसे कि कहावत है कि दीवारों को भी कान होते हैं, तो वो देखिए यहाँ पे हमको वैसे एक चीज़ मिलेगी। देख सकते हैं यूसुफ कुछ बोल रहा है और यहाँ देखते सुनाई देता कि नहीं देता है। सोनम गुप्ता मेरे पास। चलो हम चलते हैं यहाँ का थोड़े खुफिया खुफिया जगह देखने के लिए। तो हम सीढ़ी पे देखते क्या है यहाँ पर। 100 सालों से कोई लोग नहीं गया। ओहो, ये तो बहुत ही बढ़िया जगह आ गई फोटो शूट के लिए। तो बहुत मस्त जगह है यहाँ पर। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखा है। यहाँ पे P और R, यहाँ दो प्यार के जोड़े यहाँ पे हैं। ये सब बहुत बेकार है जो हम यहाँ पे ये सब चीज बनाते रहते हैं। और ये रहा प्यारा सा गोलकुंडा। अब गोलकुंडा फोर्ट एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, क्योंकि यहाँ की जो बनावट बनाई गई है वो बहुत ही देखने लायक है, इसलिए यहाँ पे टूरिस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पे देखने के लिए। और ये हैदराबाद में एक फेमस जगह भी है बहुत। तो चलिए हम अब यहाँ पे सीढ़ी चढ़ के एकदम टॉप पे चलेंगे, अपन चलते हैं। ये पूरा हैदराबाद आप यहाँ से देख सकते हैं। और गाइस, हम लोग बहुत ही ऊंचाई पे, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, आसमान की ऊंचाइयों पे आ चुके हैं, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। हिम्मत ज्यादा गिर जाएगी, डर लगता है। यहाँ सबकी फट भी रही कंट्रोल है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही ऊंचाई है यहाँ पे। तो मोनो, क्या सीढ़ियाँ चल लो कित सारी? अरे हाँ, बहुत चले हो। चलो ठीक है, हालात देखते हैं यहाँ पे, जब ऊपर पहुँच जाएंगे तो। तो भाई बहुत ही मस्त जगह है ये, है जेल खाना। राजा जी यहाँ पे अपने कैदियों को बंद करते थे। कैदी को किले मिलता था। हाँ, ऐसे भी देख सकते हैं आप कि अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम। उफ, ये फोटो शूट एरिया है यहाँ का, छपरी लोग फोटो खींचते हैं यहाँ पे, छपरी फोटो खींचे आते हैं।
देखा भाई सब मुझ को। अब हमको दिखाएंगे 26 फोटोज कैसे लेते हैं। देख लो भाई ऐसे फोटोज लेते हैं 26, आप देख सकते हैं। मार पड़ेगा अच्छे फोटो आया था अभी नीचे, हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। और ये क्या दिख रहा है हमें, ऊपर जाके एक मंदिर भी है। क्या मांगोगे? प्रमोशन हो जाए, शादी हो जाए। रोहित और रूबी भाई आपको बहुत सारा प्यार हम लोग की तरफ से। मियां खलीफा आपको भी बहुत सारा प्यार। It was at this moment that he knew he fucked up. आप कितना प्यार है इन दीवारों में, हर जगह पे प्यार ही प्यार। ये मोन्यूमेंट कम प्यार का कोई नगर ही ज्यादा लग रहा है। चलो हम आपको टॉप से व्यू दिखाते हैं, यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है, अगर टॉप में दिखते भीड़ है कि नहीं है ना। चलो ऊपर खाली लग रहा है मेरे को, ज्यादा भीड़ तो होगी नहीं क्योंकि सब भीड़ तो नीचे ही है। चलो ऊपर चलते हैं। ओ भाई यहाँ तो कुछ ज्यादा ही भीड़ है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ करता था, स्कूल से कभी आके फोटो वोटो खींचा करते थे। मुंह से गाना हाँ मैं बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, ये सब पोज देके राजा साहब यहाँ से जा चुके थे। सामने जेल और हम जेल जाने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है रामदास प्रिजन, मैंने सोचा कि अंदर कोई जेल होगी, बट जैसे ही मैं अंदर गया तो मैंने देखा यहाँ तो एक मंदिर है। तो जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ जो रामदास जी थे उन्होंने पत्थरों से मार मार के यहाँ पे ये पूरा मंदिर बनाया है। तो चलिए अब हम मंदिर में अंदर जाके थोड़ा सा आशीर्वाद लेते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। अगर ये बंदा ऐसा कूदे तो 500 रुपये, 500 रुपये मोनो देगा, ये मैं बोल रहा था। ये भाई 240 किलोज़ का यहाँ पर उठाना पड़ता है, तो यहाँ पे दो लोग मिलके नहीं उठा पाए हैं। क्या बोले, क्या बोला आपने? नो कमेंट्स। भाई उठा रहे हैं 240 किलोज़ का, टोटल 240 किलोज़ का है, भाई उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भाई नहीं उठा पाए। जाओ आकाश जाओ, नहीं नहीं जिम क्यों जा रहे हो, पैसा बर्बाद है। जाओ 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 यू गटलेस फूल। ये भाई लड़की देख के आया जा रही। अरे जाओ ना, ए भेजो इसको, उसको भेजो। करते हैं 240 किलो उठाने के लिए, चलो मिलते हैं। होगा होगा होगा। ओ और हम जा रहे हैं भाई अंकल। तो भाई हम गोलकुंडा से आ चुके हैं और टाइम हो गया लगभग 8 बज गए हम लोग आते आते, तो हमने बाहर से ऑर्डर किया खाने को। अब हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद हम सो जाएंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और सीढ़ियाँ कम से कम लगभग बहुत ज़्यादा सीरियस थी हम बहुत। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो आप प्लीज़ उसको लाइक सब्सक्राइब मुझे ज़रूर करिएगा और कमेंट करिए कि बेस्ट पार्ट क्या था उस वीडियो में। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।